हिमाचल प्रदेश के सोलन में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बता दें कोरोना संक्रमण के 167 नए मामले सामने आए, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या केवल 52 है। ऐसे में अब हिमाचल में 935 एक्टिव मरीज हो चुके हैं। वही 5 जिलों के हालात बेहद खराब बनी हुई है। बता दें हिमाचल में पिछले 15 दिनों में स्थिति बेहद खराब देखी गई। लोगों की लापरवाही के कारण संक्रमण अब तेजी से फैलना शुरू हो चुका है। वहीं बुधवार को सबसे ज्यादा नए मामले ऊना जिले में सामने आए हैं। वहीं ऊना में 42, कांगड़ा में 33, सोलन में 25, हमीरपुर 18, शिमला 15, सिरमौर 11, बिलासपुर में 13, मंडी 5, किन्नौर 3, कुल्लू में 2 नए मामले सामने आए। वैसे में राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 935 हो गई है। वहीं 60,036 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 58,079 ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि मौतें 958 हो चुकी है।